রাজধানী দিল্লীত বাড়িয়ে আছে প্রদূষণের মাত্রা। সোমবারে বায়ুমান সূচাঙ্ক হলগৈ 488, নিরাপদ যাত্রাতকৈ ইয়া 80 গুণ বেশি। পুয়ারে পুরে রাজধানী শহরখনত ধুঁয়লি কুঁয়লি পরিবেশ, দৃশ্যমান প্রায় শূন্য। চিকিৎসালয়সমূহত বাড়িছে রোগীর সংখ্যা, বেশিভাগরে চকু আর শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা। और सही मायने में देखे तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, जिसमें काफी लोगों को सांस में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन हो रहा है। वो पेशेंट जिनको की पहले से बीमारियां हैं, उनको काफी बार इमरजेंसी विजिट्स करना पड़ता है। हमारे अस्पताल की बात करें लोकनायक में, तो 25 से 30 मरीज सांस की तकलीफ के साथ पिछले 24 घंटे में आए हैं, और उसमें कुछ बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर की उम्र के, जिनको की सांस में तकलीफ हो रही है। পরিস্থিতির সমাধান বিচারি সোমবারে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক আহ্বান করে। সংশ্লিষ্ট বিভাগের সকল বিষয়াবর্গ উপস্থিত থাকে বৈঠকত। পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখি ইতিমধ্যে কেবাটাও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে দিল্লি সরকারে। দিল্লি কে অন্দর দিওয়ালি কে আগলে দিন 13 নভেম্বর সে 20 নভেম্বর তক एक हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। ये 13 दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से शुरू होगा और 20 तारीख तक वो चलेगा। उस एक सप्ताह के ऑड इवन की समीक्षा करके, उस समय जो प्रदूषण की स्थिति होगी उसकी समीक्षा करके फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে যে সময়ত ভয়াবহ প্রদূষণে দিল্লীবাসীর জীবন বিপদাপন্ন করে তুলিছে, সেই সময়ত ইয়াক লৈ আরম্ভ হয়েছে বোকা ছটিওয়ার রাজনীতি। পরস্পরের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে কংগ্রেস, বিজেপি আর আম আদমি পার্টি। আজ তো পঞ্জাব মে ভি আপকি সরকার হে, দিল্লি মে ভি আপকি সরকার হে, क्या हुआ आपकी गारंटी की? आपने तो ये कहा था, आपके मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि अगर पराली का मुद्दा जिंदा रहा तो पराली जलाने का जिम्मेदार किसान नहीं, वे स्वयं होंगे, आम आदमी पार्टी होगी। तो क्या हुआ उस वायदे का? दिल्ली घुट रही है। आपसे अनुरोध है कि राजनीति करना बंद करिए और दिल्ली वासियों के लिए कुछ सांस आ सके इसके प्रबंध करिए। जो इंडस्ट्रीज हरियाणा में चल रही है, खट्टर सरकार ने उनको कोई सहूलत नहीं दी, कोई उनके लिए व्यवस्था नहीं की कि वो क्लीन फ्यूल पीएनजी पर स्विच कर पाए जैसा दिल्ली ने किया है। सारी इंडस्ट्रीज, ये सारी इंडस्ट्रीज मोस्टली एनसीआर में है, उसका भी प्रदूषण दिल्ली में आ रहा है। तो पहले तो कांग्रेस सरकार थी, आप पंजाब सरकार को इसलिए इल्जाम लगाते थे, अब तो आपकी सरकार है 2 साल से, वो पराली जली क्यों नहीं हुआ? स्मॉग टावर आपके क्या कर रहे हैं? आज जब दिल्ली की जनता घुटने के लिए मजबूर हो गई है, गैस चैम्बर में दिल्ली तब्दील हो गया, तो आप 12 बजे मीटिंग करने जा रहे हैं और केंद्र सरकार को तो फुर्सत ही नहीं है, वो चुनाव प्रचार में लगी हुई है, दिल्ली को हवाले कर दिया है जहरीली गैसों के। सोमवार प्रशासन फल दिल्ली विभिन्न स्थान पानी छटिवार व्यवस्था करा है। केवल दिल्ली ही नहीं, মুম্বাইতো বাড়িছে প্রদূষণের মাত্রা। বাণিজ্য নগরীখনক কুয়ারে পৰা আবরি রাখিছে ধোঁয়ার চাদরে। সমুদ্রৰ তীরতো দেখা গল একই পরিবেশ। নিউজ ডেস্ক, প্রতিদিন টাইম।